नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट नेक्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी एंड दैट इज हाइडल एनर्जी. हाइडल एनर्जी मीन्स एनर्जी ऑफ वाटर, और वी कैन से हाइडल एनर्जी मीन्स एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर. जो चलता हुआ पानी है, फ्लो होता हुआ पानी है, उसकी एनर्जी को हम कहेंगे हाइडल एनर्जी. सो इट इज बेसिकली एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर. जो फ्लो होता हुआ पानी है उसकी एनर्जी को हम कहेंगे हाइडल एनर्जी. और ये एनर्जी जो फ्लोइंग वाटर है, नाउ ये सोचिए कि जो चीज़ चल रही है, जो चीज़ मूव कर रही है, उसके पास कौन सी एनर्जी होती है. हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट? इट्स एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ विच अ बॉडी कैन मूव. एक बॉडी चल सकती है. नाउ अगर किसी बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी है, तो हमने सीखा है कि काइनेटिक एनर्जी अगर उसके पास है तो वो कहीं ना कहीं से आई होगी. उसने प्रोड्यूस तो नहीं की, क्योंकि एनर्जी का कंजर्वेशन जो लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट हैज टू बी वैलिड. वो हमेशा वैलिड होगा. तो अगर पानी के पास काइनेटिक एनर्जी आ रही है, तो वह काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आ रही है? सो वी विल से कि एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर, एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर मीन्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर. दिस काइनेटिक एनर्जी comes from solar energy. Solar energy by means of वाटर साइकिल. जो पानी के पास, जो वाटर के पास काइनेटिक एनर्जी आई है, वह काइनेटिक एनर्जी बेसिकली सोलर एनर्जी से मिली है. सोलर एनर्जी से मिली है बाय मींस ऑफ वाटर साइकिल. जूनियर क्लासेस में आपने ये पढ़ा है कि व्हाट एग्जैक्टली इज वाटर साइकिल. क्या होता है वाटर साइकिल में? जब सूरज से सनलाइट ओशन पे पड़ती है, ओशन, सी, लेक, रिवर, इन सभी पे जब सनलाइट पड़ती है, तो सरफेस का जो पानी है वह गर्म होता है और वह धीरे धीरे गैस के फॉर्म में कन्वर्ट होके ऊपर उठने लगता है. और जैसे ही वह ऊपर उठने लगता है, वैसे ही ऊपर जाते जाते धीरे धीरे उसका टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है और वह क्लाउड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. और यह क्लाउड के फॉर्म में जब कन्वर्ट होता है, सो दिस क्लाउड ऐसी जगह पे जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम है, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, ये गैस का जो क्लाउड है, ये जो स्टीम का ही जो वाटर वेपर्स का जो क्लाउड है, यह क्लाउड जब टेम्परेचर ऐसी जगह पे जाता है जहाँ टेम्परेचर कम हो, तो वहाँ पे ये वाटर के ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में गिरने लगता है और उसे हम रेन कहते हैं. रेन कैसे हुई? पानी गर्म हुआ, ओशन से हवा में गया, क्लाउड फॉर्म किया, क्लाउड फॉर्म करके जब ऐसी जगह पे पहुंचा जहाँ पे टेम्परेचर कम है, वहां पे वो गैस कन्वर्ट हो गई वापस लिक्विड में और इस तरह से पानी का फ्लो हुआ. नाउ ये जो गैस का क्लाउड बना, ये जो स्टीम का क्लाउड बना, वेपर, वाटर वेपर का, यह क्लाउड ऊपर चला गया और वहां पे एयर की मूवमेंट की वजह से वो इधर से उधर मूव करने लगा और मूव करते करते फॉर एग्जाम्पल हिमालय माउंटेन तक पहुंच गया. नाउ जो ये क्लाउड हिमालय माउंटेन तक पहुंचा है, तो वहां पे क्या है? वहां पे बहुत टेम्परेचर कम है, वहां पे माइनस में टेम्परेचर है, 0 डिग्री से भी कम टेम्परेचर. तो क्या होगा? वह क्लाउड कन्वर्ट हो जाएगा आइस के फॉर्म में और आइस के फॉर्म में कन्वर्ट होके वह उस माउंटेन के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा. जब ये क्लाउड वाटर, इस क्लाउड का वाटर माउंटेन के ऊपर डिपॉजिट हो गया इन द फॉर्म ऑफ आइस, तो जैसे ही फिर वापस से समर सीजन आएगा, जब टेम्परेचर और इंक्रीज होगा, टेम्परेचर राइज होगा, टेम्परेचर राइज होने की वजह से यू विल फाइंड
कि वह आइस, वो जो आइस बनी है, बर्फ बनी है, दैट आइस विल स्टार्ट मेल्टिंग, वह आइस मेल्ट होने लगेगी और मेल्ट होके धीरे धीरे वह पानी के फॉर्म में, वो वाटर फॉर्म में कन्वर्ट होके उस माउंटेन से नीचे की तरफ फ्लो होने लगेगी। नाउ अभी नीचे की तरफ फ्लो क्यों हो रही है? बिकॉज जब क्लाउड बना था तो वो जो वाटर वेपर थे, उन वाटर वेपर को सोलर एनर्जी मिली, वह सोलर एनर्जी की वजह से वाटर वेपर ऊपर की तरफ उठी और उनके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई। आप ये जानते हैं, अगर मैं किसी बॉडी को नीचे से ऊपर लेके जाऊं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, और फिर जब उसे मैं छोड़ दूं तो वो नीचे गिरेगी और उसकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। दिस यू हैव स्टडीड, जैसे कि ये चौक है, इस चौक को मैं ऐसा ले जाऊं ऊपर और ऊपर ले जाके फिर नीचे छोड़ दूं, तो नीचे छोड़ूंगा तो क्या होगा, ऊपर ले जाने पे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई, नीचे छोड़ा जैसे ही तो वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो इस तरह से जब सोलर एनर्जी से वाटर वेपर को एनर्जी मिलती है, सोलर एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करते हैं, सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब करके वह ऊपर की तरफ उठते हैं और उनके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। फिर जब जाके वो माउंटेन्स के ऊपर डिपॉजिट होते हैं तो माउंटेन्स की क्या है, हाइट बहुत ज़्यादा, तो उनके पास पोटेंशियल एनर्जी है। फिर जब टेम्परेचर बढ़ता है और आइस मेल्ट होती है, आइस मेल्ट होने की वजह से वो वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट होती है। नाउ बिकॉज हम ये जानते हैं कि वाटर ऊपर हाइट से नीचे की तरफ फ्लो होता है, ऊंची हाइट से नीचे की तरफ, सो इट मीन्स वह जो पोटेंशियल एनर्जी उस वाटर के पास है, अब वह धीरे धीरे कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में और माउंटेन के ऊपर से पानी का फ्लो चालू हो जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं जो गंगा रिवर है, दैट फ्लोज फ्रॉम द माउंट एवरेस्ट, हिमालय माउंटेन से वो फ्लो होती है, सॉरी माउंट एवरेस्ट नहीं, हिमालय माउंटेन से वो फ्लो होती है और वहां से वो फ्लो होके कंटिन्यूसली फ्लो उसका चलता रहता है। तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज जो गंगा रिवर में वाटर है वो ओशन से बना था, उस वेपर बन के हिमालय पे डिपॉजिट हो गया था और गर्मी होने की वजह से आइस मेल्ट हुई और वह पानी की पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में, एंड बिकॉज ऑफ दिस रिवर्स विल स्टार्ट फ्लोइंग। तो इसलिए रिवर का जो पानी है वो फ्लो होता रहता है। सो ये प्रोसेस किस तरह से हो रही है? सोलर एनर्जी जब वाटर वेपर पे पड़ी तो वाटर वेपर ऊपर उठी और सोलर एनर्जी कन्वर्ट हो गई पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर। ओके, वाटर में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई और यह वाटर डिपॉजिट हो गया माउंटेन के ऊपर। फिर जब गर्मी पड़ी तो क्या हुआ, यह पानी पिघला और दिस पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर। यह पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर में। तो इसीलिए हमें यहां से मिलेगा फ्लोइंग वाटर। तो इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से हमें फ्लोइंग वाटर मिलता है। रिवर में जो पानी फ्लो होता है वो इस वजह से होता है, वाटर साइकिल इस तरह से चलती रहती है। नाउ अब ये जो काइनेटिक एनर्जी वाटर की है, ये हमें किस तरह से यूज कर सकते हैं, हम इसे किस तरह से उपयोग में ला सकते हैं? तो आप ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना एक बहुत ही हमारा इंपॉर्टेंट एम होता है, तो इसीलिए इस हाइडल एनर्जी की मदद से We produce electricity from hydel energy. इस hydel energy से हमने electricity produce करी। कैसे? आपने एक turbine को घुमाया, उस turbine से एक generator connect कर दिया। जैसे ही वह टरबाइन घूमेगा वैसे ही जनरेटर भी घूमेगा और जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी बना के आपको देगा। ये जनरेटर कैसे काम करता है, दैट यू विल स्टडी इन इलेक्ट्रिसिटी, तब हम इसे इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे। बट फॉर टाइम बीइंग हम मान लेते हैं कि टरबाइन एक इंस्ट्रूमेंट है, पंखा है एक तरह से, उस पंखे को घुमाने से क्या होगा, उसके पीछे लगा एक जनरेटर मूव करेगा और जनरेटर मूव करने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी।
सो हमने इस फ्लोइंग वाटर की काइनेटिक एनर्जी को यूज कैसे किया? आपने देखा कि पानी ऐसा फ्लो हो रहा है, तो अगर बीच में मैं एक पंखा रख दूं, एक टर्बाइन रख दूं, तो क्या होगा? पानी के फ्लो के साथ वो टर्बाइन भी घूमने लगेगा, पानी उस पर फोर्स लगाएगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी पानी की वो उस टर्बाइन की एनर्जी में कन्वर्ट होने लगेगी, टर्बाइन घूमने लगेगा। सो वी विल से कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर है इसे हम कन्वर्ट करेंगे मैकेनिकल एनर्जी ऑफ टर्बाइन। टर्बाइन की मैकेनिकल एनर्जी में हम उसे कन्वर्ट करेंगे, और टर्बाइन की मैकेनिकल एनर्जी मींस टर्बाइन भी क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, तो टर्बाइन रोटेट हो रहा है इसलिए उसमें काइनेटिक एनर्जी ही है, इट्स मूविंग। सो इंस्टेड ऑफ मैकेनिकल एनर्जी वी कैन ऑल्सो यूज द टर्म काइनेटिक एनर्जी ऑफ टर्बाइन। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर किसमें कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक एनर्जी ऑफ टर्बाइन। और इससे क्या हुआ? टर्बाइन घूमने की वजह से जनरेटर भी मूव करेगा, और जनरेटर मूव करने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो हम कहेंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ टर्बाइन है इसकी वजह से जनरेटर घूमा एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ टर्बाइन गेट्स कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, यह टर्म को इसी तरह से बोलिएगा। सो व्हाट इज द साइकिल, व्हाट इज द प्रोसेस? सोलर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर में कन्वर्ट हुई, वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर में कन्वर्ट हुई, टर्बाइन काइनेटिक एनर्जी ऑफ टर्बाइन में कन्वर्ट हुई, और फाइनली फिर इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो गई। तो देखिए हमने क्या करा, बेसिकली हमने सोलर एनर्जी को इस तरह से यूज किया, सोलर एनर्जी का ऐसा फ्लो बनाया कि सोलर एनर्जी से हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर ली। बिकॉज जो फ्लोइंग वाटर है, फ्लोइंग वाटर को आप रोक नहीं सकते, इट विल फ्लो, बिकॉज जब तक वाटर साइकिल चलेगी, जब तक सोलर एनर्जी रहेगी, तब तक पानी का फ्लो हमेशा बना रहेगा। जहां सोलर एनर्जी खत्म हुई वहां पे पानी का फ्लो टूट जाएगा। आप देख सकते हैं इस साइकिल में यहाँ पे सोलर एनर्जी और इलेक्ट्रिक एनर्जी कनेक्टेड नहीं है। यहां से ऐसा मैं नहीं कर सकता कि इलेक्ट्रिक एनर्जी से सोलर एनर्जी बनाई। आपने सोलर एनर्जी को देखा, दिस इज द मेन सोर्स, दिस इज द मेन सोर्स। पूरी की पूरी चेन बनी कहां से है? पूरी चेन बनी है सोलर एनर्जी से, फिर काइनेटिक, पोटेंशियल, काइनेटिक, काइनेटिक और इलेक्ट्रिक। यह प्रोसेस हमेशा ऐसी ही चलती रहेगी। जहां पे इसका सप्लाई रुक गया वहां पे ये रुक जाएगा, ये रुक गया तो ये नहीं होगा, ये रुक गया तो ये नहीं होगा, और ये नहीं हुआ तो ये भी नहीं होगा। तो इस तरह से हाइडल एनर्जी का मेन सोर्स इज द सोलर एनर्जी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। हाइडल एनर्जी का सोर्स इज सोलर एनर्जी। नाउ हमने कहा कि हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं इस सोलर एनर्जी की मदद से। अब ये इलेक्ट्रिसिटी हम किस तरह से प्रोड्यूस करें सोलर एनर्जी की मदद से? क्या ये इलेक्ट्रिसिटी मैं घर पे बना सकता हूँ? क्या ये इलेक्ट्रिसिटी बनाना आसान है? क्या ये इलेक्ट्रिसिटी बनाना बहुत कठिन है? क्या कॉस्टली है? तो इन सभी सवालों का हम आंसर करते हैं। सबसे पहली चीज, द मेन रिक्वायरमेंट इफ वी स्टडी, सो द मेन रिक्वायरमेंट टू प्रोड्यूस electricity from hydel energy is, the first requirement is flowing water। सबसे पहली चीज क्या है? ऑब्वियसली बात है, जब तक पानी फ्लो नहीं होगा तब तक उसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं आएगी।
और सेकेंड रिक्वायरमेंट है लेवल डिफरेंस, लेवल डिफरेंस। पानी फ्लो कब होगा? जब हमने देखा कि माउंटेन पे जो आइस है वो मेल्ट होके वाटर में कन्वर्ट हो रही है। अगर जमीन पे ही मैं आइस रख दूं और उसे मेल्ट करा दूं तो क्या वो पानी फ्लो होगा? हम कहेंगे नो, वो पानी वहीं पे ही डिपॉजिट हो जाएगा। जब लेवल डिफरेंस होता है तभी पानी फ्लो होता है। सो इसीलिए मेन रिक्वायरमेंट है इस हाइडल एनर्जी के लिए कि एक तो पानी फ्लो होना चाहिए और लेवल डिफरेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो किस तरह से ये होता है देखते हैं हम। हम एक बिल्डिंग बनाते हैं, एक कंस्ट्रक्शन करते हैं जिसे हम कहते हैं डैम। डैम क्या होता है बेसिकली? जहां पे भी पानी फ्लो हो रहा है, हमने देखा कि एक रिवर है, उस रिवर में कुछ फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में पानी फ्लो होता है, ऐसा हमने देखा कि पानी का फ्लो जो है वो इस डायरेक्शन में होता है। नाउ अब आप ये जानते हैं कि जब रेनफॉल होता है, जब बारिश होती है, तो जो रिवर होते हैं रिवर में एकदम से पानी की कंटेंट, पानी का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उस केस में क्या होता है, पानी बहुत तेज़ी से फ्लो होता है। और पानी तेज़ी से फ्लो होता है तो रिवर्स क्या होते हैं, जनरली अर्बन एरियाज के पास में, जनरली रूरल एरियाज से होके निकलते हैं। ऐसा तो नहीं है कि रिवर जो है वो सभी कंट्री के बाहर होते हैं, ओके, वो रिवर अंदर ही होते हैं। नाउ रिवर से क्या होगा, अगर पानी उसमें बहुत ज़्यादा फ्लो होगा सो इट मे कॉज फ्लड्स। अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी फ्लो होगा तो आप देखेंगे कि बहुत सारे सिटीज तबाह हो जाती हैं, बहुत सारे विलेज तबाह हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं बिकॉज ऑफ फ्लड्स। आपने देखा था सुनामी जो हुआ था, सुनामी का इंसिडेंट, उस केस में बहुत सारे एरियाज, बहुत सारे सिविलाइजेशंस ख़त्म हो गए थे, ओके, जो पुराने ज़माने में भी सिविलाइजेशंस ख़त्म हुए दैट इज़ ड्यू टू फ्लड्स। जो पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा हुआ, एक साथ बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, तो बारिश होने की वजह से पानी ज़्यादा डिपॉजिट हो गया, और पानी डिपॉजिट हुआ तो उस नदी का फ्लो बहुत तेज़ हो गया, और फ्लो तेज़ हुआ तो वो जो नॉर्मल जो रिवर का पाथ होता है उस पाथ को वो ब्रेक करके दूसरी जगह से फ्लो होने लगी और फ्लड कॉज करके पूरे एरिया को ख़त्म कर दिया। तो इस तरह की चीज़ को हमने सोचा कि ये जो पानी का फ्लो है, जो बहुत तेज़ी से एकदम पानी फ्लो हो जाता है, क्या इसे हम कोई प्रैक्टिकल यूज़ में ला सकते हैं? तो हमने कहा हाँ, हम यूज़ कर सकते हैं बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डैम। हम एक डैम बना सकते हैं। डैम क्या होता है? डैम इज़ नथिंग बट अ बिल्डिंग, कुछ इस तरह की एक बिल्डिंग होती है, इट इज नोन एज अ हाई राइज बिल्डिंग। एक बिल्डिंग होती है विच इज नोन एज अ हाई राइज बिल्डिंग। हाई राइज बिल्डिंग नथिंग बट इट्स अ बिल्डिंग विच इज मोर देन टू फ्लोर्स। जो बिल्डिंग दो फ्लोर से ज्यादा की होती है उसे हम हाई राइज बिल्डिंग कहते हैं। तो इस तरह की ये बिल्डिंग हमने बनाई। इस तरह की जो ये बिल्डिंग हमने बनाई है, अब ये सोचिए कि अगर पानी बहुत तेजी से यहाँ पे आ रहा है, कुछ इस तरह से स्ट्राइक कर रहा है, तो स्ट्राइक करने से क्या होगा? जब पानी, अगर ये बिल्डिंग नहीं होती तो पानी फ्लो हो जाता और बहुत स्पीड में जाके कहीं ना कहीं फ्लड कॉज करता। तो हमने क्या करा, हमने एक ऐसा डैम बना दिया। दिस डैम इज बेसिकली अ बिल्डिंग a building which control the flow of water, जो पानी के फ्लो को कंट्रोल करता है। हम ये नहीं कहेंगे कि डैम स्टॉप्स द फ्लो ऑफ वाटर, इट बेसिकली कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ वाटर। हम ये चाहते हैं कि ये जो पानी है, दिस वाटर, ये एक साथ यहाँ से क्रॉस नहीं करे, ये धीरे धीरे क्रॉस करे, थोड़ा थोड़ा पानी निकले। तो इसलिए हमने ऐसे एक बिल्डिंग बना दी जिसमें कुछ गेट्स बना दिए। तो आप जानते हैं डैम में गेट्स होते हैं, जैसे ही वो गेट खुलता है तो पानी बाहर आता है, आप गेट बंद कर देंगे तो पानी रुका रहेगा। तो इन दैट वे हम इस पानी के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर हमने सोचा कि ठीक है, हमने फ्लड को रोकने के लिए तो ये बिल्डिंग बना दी,
लेकिन क्या इसका और भी कुछ हम यूज कर सकते हैं? तो हम कहेंगे हाँ, इसका और भी यूज हम कर सकते हैं बाय यूजिंग द फ्लो ऑफ वाटर। इस पानी की एनर्जी को हम यूज कर सकते हैं। किस तरह से? हमने यहां पे कुछ एक अरेंजमेंट बनाया, समथिंग लाइक दिस, ऐसा एक गेट यहां से फॉर्म करा। इस गेट से हमने एक पाइपलाइन डाली, एक पाइपलाइन कुछ इस तरह से डाली, एंड फ्रॉम दिस पाइपलाइन अब हमने क्या करा, ये पाइपलाइन को इस डैम के लेवल से नीचे रखा, नीचे की तरफ। ओके, अब इसको अगर हम नीचे रखेंगे तो सोचिए जब इसमें से पानी फ्लो होगा तो वो नीचे की तरफ फ्लो होगा, तो पानी जब नीचे की तरफ जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो स्पीड बढ़ेगी तो क्या होगा, यहां पे जो वाटर इस तरह से फ्लो हो रहा था, हमने यहां पे एक टर्बाइन फिट कर दिया कुछ इस तरह से। हमने एक टर्बाइन यहां पे फिट कर दिया। नाउ दिस टर्बाइन, ये कुछ इस तरह से टर्बाइन है, और इस टर्बाइन के ऊपर एक जनरेटर फिट कर दिया। अब क्या होगा, जब डैम से हम ये वाला गेट खोलेंगे, ये छोटा सा एक हमने गेट बनाया, ये गेट जैसे ही हम खोलेंगे तो यहां से पानी का फ्लो होगा, और क्योंकि हमने ये टर्बाइन नीचे की तरफ लगाया है, इस पाइपलाइन को हम नीचे तक ले गए, तो यहां से जो पानी फ्लो होगा वह इस टर्बाइन के ऊपर आके गिरेगा, और क्योंकि पानी तेजी से फ्लो हो रहा है इसीलिए ये टर्बाइन घूमने लगेगा। और अगर ये टर्बाइन रोटेट होगा तो इसके पास कौन सी एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, दिस काइनेटिक एनर्जी, और इस काइनेटिक एनर्जी से क्या होगा, ये जनरेटर घूमेगा, और जनरेटर घूमने से यू विल गेट इलेक्ट्रिसिटी। सो इन दिस वे हम ये डैम कंस्ट्रक्ट करके इससे इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेशन कर सकते हम ये डैम कंस्ट्रक्ट करके इससे इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेशन कर सकते हैं। नाउ दिस वाटर इज फ्लोइंग लाइक दिस, तो आप देख सकते हैं कि हमने फ्लोइंग वाटर कैसे बनाया। हमने फ्लोइंग वाटर बनाया बेसिकली लेवल डिफरेंस, आपने लेवल डिफरेंस क्रिएट करा और पानी फ्लो होने लगा। सो इन दिस वे यहां से जो पानी जा रहा है, नाउ दिस वाटर इज गोइंग लाइक दिस, और क्या ये टर्बाइन में एब्जॉर्ब हो रहा है, हम कहेंगे नो, इट इज नॉट गेटिंग एब्जॉर्ब्ड इन टर्बाइन, ये बेसिकली सिर्फ टर्बाइन को घुमा के आगे निकल जाता है। तो फिर इस पानी का क्या यूज, अगेन इस पानी को हम यूज कर सकते हैं फॉर इरिगेशन पर्पस। तो इरिगेशन पर्पस कैसे, जो ये पानी निकल रहा है यहां से, यहां से धीरे धीरे इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज बना सकते हैं आप, छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज बना दीजिए, तो अलग अलग खेतों में जाके ये पानी अपने आप ही मिक्स हो जाएगा, ऐसे अलग अलग बहुत सारे छोटे छोटे नहर जिसे हम बोलते हैं। तो फार्मर्स क्या करते हैं, बिकॉज जनरली ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ये सिटी के बाहर होते हैं, ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पे ओपन स्पेस हो, जहाँ पे पानी स्टोर करने की जगह हो, तो ये जो चीज बनाई है हमने, दिस, ये हमने एक रिवर को रोक दिया है, एक रिवर को रोका है, और यहाँ पे एक आर्टिफिशियल लेक क्रिएट करा। दिस इज बेसिकली एन आर्टिफिशियल लेक, क्योंकि पानी रुका हुआ है तो इसलिए हमने इसे एक लेक के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। नाउ अब ये जो लेक के फॉर्म में पानी कन्वर्ट हुआ है, तो ये लेक होने के लिए भी जगह हमें बहुत सारी चाहिए, हमें इस तरह से प्रिवेंशन रखना है, हो सकता है कि पानी कभी इतना ज्यादा आ गया कि इस डैम को तोड़ के बाहर निकल जाए, इट मे पॉसिबल, ओके ये हो सकता है, तो उस चीज को भी ध्यान में रखते हुए जनरली इन्हें सिटी के बाहर ही बनाया जाता है। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे जो ये पानी है, सिटी के बाहर जनरली विलेजेस होते हैं, तो विलेजेस में क्या होगा, वहां पे फार्म होते हैं बड़े बड़े, तो उन फार्म में एनर्जी, उन फार्म में जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, वाटर की रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह से फुलफिल हम कर सकते हैं बड़ी आसानी से, ये पानी को हम अलग अलग ट्रिब्यूटरीज में बिखेर के और डिफरेंट डिफरेंट इरीगेशन पर्पस, इरीगेशन प्रोजेक्ट्स में यूज कर सकते हैं।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इट इज क्लीनेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। यह एनर्जी क्लीनेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्लीनेस्ट क्यों है? बिकॉज आप देख रहे हैं कि इसमें सिर्फ पानी का ही यूज हो रहा है और पानी को भी हम कोई जला नहीं रहे, हम कुछ बर्न नहीं कर रहे, हम सिंपल उसकी काइनेटिक एनर्जी को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई इट्स द क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी। सेकेंड इज इट्स रिन्यूएबल एनर्जी। इट्स रिन्यूएबल एनर्जी व्हाई? बिकॉज ये जो पानी यहां से निकल रहा है, आप चाहे तो इसको वापस ओशन की तरफ डायरेक्ट कर दें ताकि ये वापस ओशन में जाके मिक्स हो जाए। अब ये पानी ओशन में गया, वापस से क्या हुआ, सोलर एनर्जी हुई, वो पानी कन्वर्ट हुआ स्टीम के फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में, फिर वो फ्लो हुआ, फिर वापस से टरबाइन पे आ गया। तो ये पानी का जो फ्लो है, पानी कभी भी खत्म नहीं हो रहा, जो फ्लो है वो खत्म नहीं हो रहा, हम सेम वाटर को वापस से यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए हम कहेंगे इट्स अ रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, ये जो एनर्जी हमें मिल रही है इट्स अ रिन्यूएबल एनर्जी। और इंडिया में अराउंड 15% ऑफ एनर्जी डिमांड को इंडिया में ऑलमोस्ट इस डैम, इस हाइडल एनर्जी की मदद से पूरी होती है। एंड इन सम डेवलपिंग कंट्रीज, कुछ डेवलपिंग कंट्रीज ऐसी हैं इट कंट्रीब्यूट नाइंटी%। कुछ डेवलपिंग कंट्री, फॉर एग्जाम्पल श्रीलंका। श्रीलंका में क्या है, श्रीलंका में पानी बहुत ज्यादा है, इट्स एन आइलैंड, इट्स अ काइंड ऑफ आइलैंड। सो आइलैंड के आसपास पूरा पानी है, वहां पे फ्लोइंग वाटर, उसमें बहुत सारी नदियां हैं छोटी छोटी, तो फ्लोइंग वाटर की उन्हें कोई कमी नहीं है। इसलिए श्रीलंका में 90% एनर्जी डिमांड जो होती है वो हाइडल एनर्जी से पूरी कर सकते हैं, बिकॉज वहां पे कोल तो होता नहीं, इट्स एन आइलैंड, कोल पे आपको आइलैंड पे आपको कोल नहीं मिलना इतना कुछ खास। तो दैट्स व्हाई 90% हाइडल एनर्जी ही यूज की जाती है। नाउ हाइडल एनर्जी के लिए दूसरी चीज क्या, सबसे पहला तो क्लीनेस्ट फ्यूल है, देन इट्स अ रिन्यूएबल एनर्जी, और नेक्स्ट अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इट्स अ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। मल्टीपर्पज किस तरह से, बिकॉज आपने एक डैम बनाया, सबसे पहली चीज ये क्या करेगा, ये फ्लड को कंट्रोल करेगा, ये फ्लड को रोकेगा। दूसरी चीज आप इससे एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हो। तीसरी चीज आप इससे इस पानी को यूजफुल डायरेक्शन में डायरेक्ट कर सकते हो, बिकॉज जो रिवर का जो पानी है आप देखते हैं कि वो थाउजेंड्स ऑफ गैलन्स ऑफ वाटर समुद्र में जाके मिक्स होता है, ओशन में जाके मिक्स होता है, तो उस पानी को हम यूज कैसे करें, बिकॉज ओशन में जो पानी है वो तो सॉल्टी है, वो खारा है, तो उसे हम यूज नहीं कर सकते, लेकिन रिवर का जो पानी है वो फ्लोइंग है और वो खारा नहीं है, इट्स ऑलमोस्ट प्योर वाटर। सो उस पानी को यूज करने के लिए हम डैम बना देते हैं। तो इसलिए ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है कि एक डैम बनाने से आप कितने सारी चीजें कर सकते हैं, आप फ्लड को रोक सकते हैं, आप एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, आप उसे यूजफुल पर्पस में डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट यूसेज। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज कि ये जो डैम है इट्स अ लेबर इंटेंसिव वर्क, ये मशीन से नहीं बनता, ये लेबर इंटेंसिव वर्क है, बिकॉज ये बनाना आसान नहीं। सो अगर ये लेबर इंटेंसिव वर्क है तो एक डैम बनाने में यू रिक्वायर ऑलमोस्ट 200 पीपल। सो अगर आप 200 लोगों को एक डैम बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, सो इट मीन्स यू आर जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, सो इट्स अ गुड थिंग फॉर इंडिया, फॉर अवर कंट्री, कि आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं टू रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सो इन दैट वे इट्स अ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। नाउ इट इज ऑल्सो द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी। आपको फ्लोइंग वाटर बिल्कुल मुफ्त में मिलता है, बिल्कुल फ्री में मिलता है, तो इसीलिए आप इसे आसानी से यूज कर सकते हैं। ये इसके कुछ खास एडवांटेजेस हैं। Then if we talk about the disadvantage, the very first disadvantage is
दिस डैम कंस्ट्रक्शन इज वेरी वेरी कॉस्टली। डैम कंस्ट्रक्शन बहुत ही ज्यादा महंगा होता है। दूसरी चीज, दिस टर्बाइन एंड दिस जनरेटर इंस्टॉलेशन इज ऑल्सो वेरी कॉस्टली। डैम बनाना महंगा पड़ा, जनरेटर लगाना, टर्बाइन लगाना महंगा पड़ा। थर्ड थिंग इज इट रिक्वायर मेंटेनेंस। इसकी मेंटेनेंस में बहुत पैसा लगता है, इट्स मेंटेनेंस में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। व्हाई मेंटेनेंस? बिकॉज जो पानी है वह इस तरह से आके इस वॉल को स्ट्राइक करता है, तो ऑब्वियसली बात है अगर इस वॉल को हम मजबूत नहीं बनाएंगे, स्ट्रांग नहीं बनाएंगे, तब तक क्या होगा, तब तक ये वॉल कुछ रिलायबल नहीं होगी। हो सकता है कि कभी ज्यादा पानी आया तो ये वॉल टूट गई। तो इसलिए डे टू डे इसे चेक करना पड़ता है कि ये वॉल की स्ट्रेंथ कितनी है, क्या ये और वाटर के फ्लो को झेल पाएगी, एंड ऑल दीज थिंग्स। देन इस टर्बाइन और इस जनरेटर का मेंटेनेंस बहुत महंगा पड़ता है, तो दिस इज अ डिसएडवांटेज। नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज कि ये कंस्ट्रक्शन जो हमने किया, जो हमने डैम बनाया, दिस विल इफेक्ट द सराउंडिंग लाइफस्टाइल। जो आसपास के लोगों की जो लाइफ है उसको ये चीज़ बहुत इफेक्ट करती है। वाई? बिकॉज जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो कंस्ट्रक्शन करने से क्या होता है, यहाँ पे जो ग्रीन प्लांट्स हैं, जो यहाँ पे नेचुरल एयर चलती है, वो चीज़ खराब होती है। बिकॉज ग्रीन प्लांट्स, आप अगर आप पेड़ को हटाओगे तो ऑब्वियसली बात है अगर आप ट्रीज को हटा रहे हो, सो इट्स नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली, इट इज समथिंग विच इज हार्मफुल टू एनवायरमेंट। सो इस पर्पज को, इस प्रोजेक्ट को करने के लिए यू रिक्वायर हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, बहुत ज़्यादा लैंड आपको ज़रूरत पड़ती है, ऑलमोस्ट 5 to 6 हेक्टेयर, इतनी बड़ी लैंड की आपको आवश्यकता पड़ती है, इससे भी ज़्यादा लैंड की आवश्यकता पड़ सकती है। सो फॉर दैट यू नीड टू रिमूव द ट्रीज एंड प्लांट्स, और आसपास की सराउंडिंग की लाइफ को आप खराब करते हैं। तो इसलिए ये इसका एक डिसएडवांटेज है कि ये एनर्जी जो मिलती है, दिस इज द क्लीनेस्ट एनर्जी, ये बिल्कुल साफ सुथरी है, लेकिन इस डैम कंस्ट्रक्शन की वजह से आसपास की लाइफ खराब होती। सो दैट्स व्हाई ये जो हाइडल एनर्जी है, इट इज यूजफुल इन सम वे एंड इट इज नॉट यूजफुल इन सम अदर वे। तीसरी चीज क्या कि डैम कंस्ट्रक्शन आप हर जगह पे नहीं कर सकते। आप ये देखते हैं कि डैम बनाना मतलब क्या, डैम मीन्स एक आपको बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी, तो जो आप बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं, हो सकता है कि इस ग्राउंड की जो मिट्टी है, इस ग्राउंड की जो सॉइल है वो ऑयली है, वो चिकनी है, तो चिकनी मिट्टी अगर होगी तो क्या होगा, उससे ये डैम की जो बेस है जिसे हम नींव कहते हैं, ये कमजोर हो जाएगी, तो उससे डैम के गिरने का, इसके टूटने का डर बना रहता है। तो इसीलिए हर जगह पे, हर रिवर पे हम डैम कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, बहुत सिलेक्टेड जगह पे ही डैम कंस्ट्रक्शन हो सकता है, और इसीलिए इंडिया में ज्यादा यूज नहीं है, ऑलमोस्ट 15% ही एनर्जी डिमांड फुलफिल करता है। देन दूसरी चीज कि ये जो पानी हमें फ्लो मिल रहा है, जो वाटर का फ्लो मिल रहा है, इस फ्लो से ये टर्बाइन घूम रहा है, लेकिन ये टर्बाइन के घूमने से जो एनर्जी फॉर्म हो रही है वो एनर्जी की मात्रा बहुत कम है, बहुत कम क्वांटिटी में हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती हुई मिलती है। दैट्स वाई ये बनाना डिफिकल्ट है, लेकिन हाँ यूज करना आसान है, इसे आप आसानी से यूज कर सकते हैं। सो दिस इज वॉट अबाउट हाइडल एनर्जी, सो यू कैन नोट दिस।